नमस्कार सभी को। सैनिक मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, जिसका नाम है मेजरमेंट। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल और जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सभी में आता है। और इनके साथ साथ इसकी नॉलेज बच्चों आपको अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें भी होनी चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है बच्चों, जो हर बच्चे को आना चाहिए। तो चलिए आज हम करते हैं इसको, बिल्कुल डीपली करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे भी जल्दी से जुड़ जाएं, और जो बच्चे जुड़ चुके हैं भी क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर एक को इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला बच्चों आज का। इसके अंदर बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखेंगे हम, जो हमारे डेली लाइफ में काम आती हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम में हमारे इससे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, जल्दी से एक बार सभी बच्चे जुड़ें, क्लास को शेयर करें जल्दी से, ताकि हर एक बच्चे के पास ये क्लास पहुंचे, उसको भी बेनिफिट हो। क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ऐसे पॉइंट करेंगे हम, ऐसे ऐसे टॉपिक करने वाले हैं बच्चों, जिससे आपके जो बेसिक फंडामेंटल हो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे भी जुड़ जाएं एक बार, शाबाश। तो आज का टॉपिक रहने वाला है बच्चों हमारा मेजरमेंट। इसके अंदर लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, इसके पर टॉपिक करने वाले हैं बच्चों हम। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएं भाई, क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों आपकी डेली लाइफ में बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि इसका यूज जब आप मार्केट में जाते हो तो भी होता है, कुछ बार्गेनिंग करते हो तो भी होता है, प्लाट वगैरह मेजरमेंट करते हो, मकान वगैरह, तो भी इसका यूज होता है बच्चों। तो हर जगह इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे एक बार जो जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दें भी क्लास को, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए बच्चों, अब हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से, काफी देरी हो चुकी है, जल्दी से जल्दी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई जल्दी से एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं। चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग। क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से देखें भाई और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी है उसको नोट करते जाएं। चलिए भाई, शाबाश। ओके सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भी सभी को। तो चलिए बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, शाबाश। गुड इवनिंग भाई, खुशी एंड रिसीव, गुड इवनिंग साक्षी दैया, गुड इवनिंग विराज, गुड इवनिंग सरिता यादव के नाम से खो ना भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। तो एक बार सभी बच्चे शाबाश, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे भाई क्लास को, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा भाई। और ये जो चीज़ें हर बच्चे के पास, हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, जो जो आज हम करने वाले हैं। चलिए बच्चों भी शाबाश। ओके वंस अगेन सभी को गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी देरी हो चुकी है। तो ये रहा क्लास स्टार्ट करने का हमारा फर्स्ट पेज। चलिए बच्चों, ओके तो भी आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा क्या है, मेजरमेंट। क्या रहने वाला बच्चों, मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है बच्चों। और जो मेजरमेंट है हमारा बच्चों, ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या आता है पहले देखेंगे ध्यान से। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में, देखेंगे आप लोग मेजरमेंट के अंदर क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखो शाबाश। मेजरमेंट के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, एक तो लेंथ आएगी, मास आएगा और कैपेसिटी आएगी। क्या क्या आएगा बच्चों, सरिता यादव के नाम से कौन अभी अपना नाम बताए शाबाश। मेजरमेंट के अंदर क्या क्या करने वाले हम, लेंथ, मास और कैपेसिटी, ठीक है। तो चलिए, तो मेजरमेंट में सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ेंगे, लेंथ। क्या पढ़ेंगे, नंबर वन पे पढ़ेंगे लेंथ,
ठीक है बच्चों, तो मेजरमेंट में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेंथ। उसके बाद नंबर दो पे पढ़ेंगे बच्चों हम मास। अब मास क्या होता है कई बच्चों नहीं पता, ये बताएंगे भी आपको। और नंबर तीन यानी लास्ट में पढ़ेंगे कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कैपेसिटी। ठीक है, ये तीन टॉपिक रहने वाले हैं आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों को हम डीपली करेंगे। तो मेजरमेंट में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले बच्चों? लेंथ, उसके बाद मास और फिर उसके बाद कैपेसिटी। अभी लेंथ में क्या आता है? लेंथ में क्या आता है? ठीक है बच्चों, लेंथ में क्या आता है ये नोट करते जाएं शाबाश। तो सबसे पहले लेंथ में आता है बच्चों क्या? जो हमारे दूरी मापने के, जैसे दूरी मापने की कोई इकाई है कौन कौन सी हो सकती है? ये किलोमीटर या मीटर या जैसे सेंटीमीटर और इस प्रकार से जैसे मिलीमीटर। ठीक है, ये सारी इकाइयां किस में आएंगी? लेंथ में आएंगी। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारे किस में आते हैं? ये आएंगे बच्चों किस में? लेंथ में। उसके बाद अगला है मास। अब मास का मतलब होता है बच्चों वेट, वेट मतलब वजन। मास का मतलब क्या होता है? वजन होता है, यानी कि वेट होता है। क्लियर है? तो इसमें क्या आते हैं बच्चों? इसमें आएंगे किलोग्राम या ग्राम, इसी प्रकार से सेंटीग्राम या मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर बचता है कैपेसिटी। अब देखो कैपेसिटी को समझना, कैपेसिटी को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास एक बर्तन है भाई, ये बर्तन है, इसमें कितना दूध आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, इसको हम किस में मापते हैं? जो इसमें जितनी चीज आ सकती है वो उसकी कैपेसिटी है। भाई इसके अंदर क्या कितना लिक्विड आ सकता है तो वो क्या कहलाएगी? इसकी कैपेसिटी कहलाएगी। जैसे दूध बोलते हैं, भाई इसमें कितना मिल्क आएगा या कितना पानी आएगा तो उसको मापते हैं बच्चों लीटर में। किस मापते हैं? लीटर में। तो कैपेसिटी का मतलब लीटर से है, किसे है भाई? लीटर से। तो इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले बोल सकते हैं किलो लीटर, फिर लीटर, इसी प्रकार से सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ये किस में पढ़ने वाले बच्चों? हमें कैपेसिटी में। तो आई थिंक सबको समझ आ चुका अच्छे से कि मेजरमेंट में तीन पढ़ते हैं, तीन टॉपिक हमारे कौन से? लेंथ, मास और कैपेसिटी। लेंथ में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर इस प्रकार से। इसी प्रकार से मास, मास मतलब वजन, इसके वजन को किस में मापते हैं? वजन को मापते हैं बच्चों किलोग्राम में या ग्राम में या सेंटीग्राम में, मिलीग्राम में। यानी किसी चीज का वजन, उसका वेट मापने के लिए हम क्या करते हैं? मास पता करते हैं। और मास को किस किस में मापते हैं, मेजर करते हैं? किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम में। इसी प्रकार से बच्चों किसी वस्तु की कैपेसिटी है उसको किस में मापते हैं? कैपेसिटी को मापते हैं बच्चों किलोलीटर में, लीटर में और सेंटीलीटर और मिलीलीटर में। ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं मिस हवास, अगला जो पॉइंट हमारा, सबसे पहले क्या लेके चलेंगे हम? लेंथ। क्या लेके चलेंगे? लेंथ। लेंथ को लेके चलेंगे बच्चों सबसे पहले। लेंथ में सबसे पहले जो बेसिक इकाई हमारी वो पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे, जितनी भी है सारी पढ़ेंगे, चाहे क्लास हमारी आज लंबी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है भी? एक किलोमीटर, नोट करो बच्चों, सारे बच्चे नोट करें इसको। सबसे बड़ी इकाई लेंथ में क्या है इसकी? किलोमीटर। क्या है? किलोमीटर। ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से एक किलोमीटर में 10 क्या होते हैं बच्चों? हेक्टोमीटर। क्या होते हैं? हेक्टोमीटर। ठीक है, के एम का मतलब रहेगा बच्चों किलोमीटर, एच एम का मतलब रहेगा क्या? हेक्टोमीटर। क्या रहेगा? हेक्टोमीटर। क्या रहेगा भाई? हेक्टोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों 100 क्या होते हैं? डेकामीटर। क्या होते हैं भाई? डेकामीटर। और इसी प्रकार से 1000 क्या होते हैं? मीटर। भी 1000 क्या होते हैं? मीटर। इसका मतलब बच्चों एक किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10। एक किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 100। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000। आया सब क्वेश्चन में? तो अब ये तो इसमें हो गया, अब इन दोनों में क्या संबंध है? 10 हेक्टोमीटर बराबर है 100 डेकामीटर, तो एक हेक्टा बराबर कितना हो जाएगा? 10। एक हेक्टा बराबर कितना हो जाएगा? 10। इसी देखो, इसको ऐसे मान के चलो आप, अगर जो पास पास वाले ना उनमें 10 का संबंध, ठीक है, इन दोनों भी किसका है? 10 का। आप बोल सकते हो कि भी एक डेकामीटर बराबर है
कितने मीटर? 10 मीटर। बोल सकते हैं इसी प्रकार से इन दोनों में भी लिखते हैं भाई क्या, एक एक्टा मीटर बराबर है कितने, 10 डेका मीटर। इसी प्रकार इन दोनों में लिखते हैं, एक किलोमीटर बराबर है 10 एक्टा मीटर। इसका मतलब पास पास वाले में किसका संबंध भाई, 10 का, कितने होता है 10 का। बोला है कि नहीं सब क्वेश्चन में क्लियर है, साथ साथ नोट जरूर करते जाएं। ठीक है भाई, ओके क्लियर हो गया। अब मान लो दो छोड़ के जाएंगे तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, नोट के लिए से भी नहीं है। ओके देख लेना भाई, अगर नोट कर लिया उसे भी नहीं है तो अब दो का संबंध दो देख लेते हैं भाई, दो में क्या होगा, जैसे पास पास वाले में कितना होगा भाई, 10 का संबंध। क्लियर है, इसी प्रकार से हमारे एक छोड़ के यानी ये तो पास वाला, इससे अगला देखें भाई, यहां से लेकर इसको छोड़ के इसका यानी कितना चले, यहां से एक दो दो कदम चले तो 2 जीरो का संबंध होगा। जैसे 1 किलोमीटर है वो बराबर होगा किसके, 100 डेका मीटर के, किसके भी, 100 डेकामीटर के। इसी प्रकार से एक एक्टामीटर है वो कितना मीटर के बराबर होगा, 1 एक्टामीटर है वो बताना भी कितने मीटर के बराबर होगा। देखो इतना है, ए यहां चलेंगे 1 2, जो अगर उससे दूसरे नंबर पे होगा तो उसमें 2 जीरो आएंगी, पहले नंबर पे होगा तो 1 जीरो आएगी। क्लियर अभी, तो इसमें भी कितने हो जाएंगी, 100 मीटर होंगे। बोलो आएगा नहीं इसमें, और तीसरे स्थान पर होगा तो 3 जीरो आएंगी। क्लियर अभी, तो अब एक कंबाइंड करते हैं बच्चों, हम बिल्कुल कंबाइंड करेंगे जिसमें छोटे बड़े सारे एक साथ आने वाले हैं भाई, नोट करें साहब सभी बच्चे, ये फाइनल है लेंथ का जो आपको लास्ट में याद रखना है। तो शाबाश, नोट करें सबसे पहले, 1 किलोमीटर है वो बराबर है बच्चों 10 एक्टामीटर के, और ये बराबर है 100 डेकामीटर के, ये बराबर है कितना भाई, 1000 मीटर के, ये बराबर है बच्चों किसके, 1000 के आगे जीरो बढ़ा दो, देखो या 1 जीरो इसमें, इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें कितने जीरो, 4 जीरो। अब मीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं, डेसीमीटर, क्या होते हैं बच्चों, डेसीमीटर, तो यहाँ आएगा डेसीमीटर। फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, 1 लाख, कितने भी 1 जीरो बढ़ा दें 5 हो जाएंगे ना, तो 1 लाख क्या होते हैं बच्चों, सेंटीमीटर। और लास्ट में बच गया एक, इसमें होते हैं भी 10 लाख, कितने बच्चों, 10 लाख मिली मीटर। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को याद रखना भी, नोट कर लें साहब सारे बच्चे नोट करें भाई, 1 किलोमीटर बराबर है, 1 किलोमीटर बराबर है 10 हेक्टामीटर बराबर है कितना, यानी ये सब 1 किलोमीटर के बराबर है सारे, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 10,000 डेसा, ये क्या है, डेसीमीटर है। देखो ये क्या है, डेकामीटर है बच्चों, ये डेकामीटर, और ये क्या है, डेसीमीटर है, याद रखना दोनों में डी आ रहा है ना। उसके बाद है 1 लाख सेंटीमीटर और 10 लाख मिलीमीटर। बोला है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूं बच्चों ध्यान से देखना कि भी 1 किलोमीटर में, ध्यान से देखना बच्चों, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, यहां ध्यान देखना, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो एक तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, आपको ये ऊपर वाली लाइन याद करनी है, एक ही लाइन है बस, एक ही लाइन याद करनी है, इस एक लाइन से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखो 1 किलोमीटर में क्या बताना, में डेसीमीटर, तो डेसीमीटर के पास चलो कितना कदम चलेंगे देखना है, जितने कदम चलेंगे उतनी जीरो, जितने कदम चलेंगे उतनी जीरो। अब देखो यहां से चले भी कहां जाना हमें, डेसीमीटर के पास, तो देखो ध्यान से, एक कदम है ना, फिर ये दूसरा कदम, उसके बाद तीसरा कदम, उसके बाद चौथा कदम, तो चौथे कदम पे आ गया क्या, डेसीमीटर। तो 4 कदम मतलब 4 जीरो, कितनी जीरो भी, 4 जीरो, तो इस एक के आगे कितनी जीरो लगा दो, 4, कितनी जीरो भी, 4, इसका मतलब 10,000। 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं। बोला है कि नहीं इसमें, अगर कोई इस प्रकार बोल दे कि भी बताओ 5 हेक्टामीटर में कितने मिली, 5 हेक्टामीटर में कितने मिलीमीटर,
पांच हेक्टामीटर में कितने मिलीमीटर? तो भी हेक्टामीटर से मिलीमीटर तक चलो, हेक्टामीटर से मिलीमीटर तक। और ये देखो कितने कदम चलेंगे, ये रहा हमारा क्या भाई हेक्टामीटर। ध्यान से देखना बच्चों, ये यहां पर है हेक्टामीटर, दिख रहा है सबको? अब कहां पर जाना हमें? मिलीमीटर तक। तो चलो भी कितने कदम चलते हैं, यहां से देखो, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, और ये मिलीमीटर का पांच कदम। कितने कदम भाई? पांच। तो किसके आगे 5-0? पांच के आगे 5-0। यहां पर 6 होता तो बच्चों क्या करते हैं, हमें 6 के आगे 5-0। कितनी जीरो भाई? 5-0। तो इसका मतलब है 6 हेक्टामीटर में 6 लाख मिलीमीटर होते हैं। बोलो है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन में? क्लियर है भाई? ओके। अब जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करें, मैं भी कुछ आपको दे रहा हूं, आप लोगों को करना भी सब, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर हमें इस डायरेक्शन में चलना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अगर ये कदम इस साइड बढ़े तो क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे भाई? डिवाइड। बोला है कि नहीं ऐसे में? एक क्वेश्चन और देख लो डिवाइड का, देखो ध्यान से देखना बच्चों, डिवाइड एक क्वेश्चन और देख लो, एक एक नोट कर लो। अगर इधर जा रहे हैं हम बच्चों, इधर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और भाई इस साइड आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं इधर, तो क्या करेंगे, डिवाइड करें। ये दोनों चीज नोट कर लो आप एक बार, कर लिया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं कि भाई 7 सेंटीमीटर बराबर है कितने हेक्टामीटर, 7 सेंटीमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, एक बार समझ लो बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो 7 सेंटीमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, तो जो बोले निकालना है क्या हमें, हेक्टामीटर निकालना क्या है, जो दो दे रखा है उससे निकालना, उसकी तरफ चलेंगे। तो सेंटीमीटर कहां हमारे पास, ये रहा, और चलना कहां पर हमें, हेक्टामीटर के पास। तो चलो भी यहां से एक कदम, दो कदम, तीन कदम और चार कदम पे क्या आ गया, हेक्टामीटर। तो इसका मतलब सुनो ध्यान से, अब 4-0 नहीं आएंगे, इधर जाएंगे तो क्या होगा, भाग। इसका मतलब 7 को भाग करो कितनी जीरो से, 4-0 से। कितनी जीरो से बच्चों? 4-0 से। और इसका मतलब हो जाएगा अभी क्या, 7 लिख के और कितनी जीरो है, 4, तो 4 के बाद डेसिमल, 4 के बाद बच्चों क्या आएगा, डेसिमल, 1 2 3 4। तो 4 के बाद भाई 1 2 3 4, यहां लगा दो पॉइंटर फिर 0, ये बन गए बच्चों हेक्टामीटर। क्या बन गए ये, हेक्टामीटर। अब बोला है कि नहीं इसमें? अब एक सीधी सी बात है बच्चों, अगर इस साइड आएंगे तो भाग, इधर जाएंगे तो गुणा। क्लियर है भाई? चलो तो अभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से करके दिखाएंगे सभी बच्चे भाई, ठीक है? ओके चलो, इसको मैं छोड़ देता हूं ताकि आप लोगों को काम आएगा, देख के पता कर लोगे भी कितने स्टेप हमें चलना है, ठीक है? यानी कितने कदम हमें आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं एक बार भी, ठीक है? तो जल्दी से अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी रेडी हो जाओ, साबा सभी बच्चे, जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो सारे बच्चे रेडी हो जाएं भी, क्योंकि अभी आपकी आपके लिए क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा भी, ठीक है बच्चों? चलो भाई तो जल्दी से बताएं, शाबाश, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले लेता भाई। तो मेरे को कमेंट करके बताएं भाई, सभी क्या सभी के इतना करवाया वो समझ में आ चुका है? एक बार ओके का कमेंट करके बताएं मेरे को, या दोबारा से रिपीट करूं भाई, सबको समझ में आ चुका है, नहीं चुका, आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें भाई, शाबाश, एक बार सभी ओके का कमेंट करें भाई, किस किस को समझ में आ चुका है जितना मैंने अभी समझाया है आपको। बेटा देखो, दो ही चीज, रट्टे नहीं मारने, दिमाग में एक बार लाइन सेव कर लो ये, कि भी 1 किलोमीटर बराबर है 10 हेक्टामीटर बराबर है 100 डेकामीटर बराबर है 1000 मीटर बराबर है 10000 डेसीमीटर बराबर है 1 लाख सेंटीमीटर बराबर है 10 लाख मिलीमीटर। दो तीन बार बोलोगे तो आ जाएगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, क्या सबको समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका भाई, जल्दी बताएं भाई, शाबाश। जिस जिसको समझ में आ चुका है एक बार वीडियो को लाइक कर दे, मेरे को पता चल जाए भाई कौन कौन समझ चुका है। खुशी ऋषभ कह रहा है ओके सर, हर्ष भी कह रहा है ओके सर, साक्षी दैया को समझ आ चुका है भाई, अंकित नागर कह रहा है रिपीट कर दो, ओके गेमर के नाम से कह रहा है रिपीट कर दो। चलिए भाई सभी बच्चों के समझ में आ चुका है। सुमन देवी के नाम से कौन है भाई, अंश मौर्य, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, कहां से हो भाई अंश मौर्य, कौन से,
स्टेट से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, शाबाश। एक बार इसने कहा भी क्या नाम है का नागर के नाम से, कौन है ये कर रहा है, देव भी कह रहा भी रिपीट सर। चलिए अभी एक बार रिपीट कर देते हैं, अब ध्यान से देखना भी जो रिपीट का कह रहा है। चलो एक बार मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, थोड़ा बोर्ड हमारा पूरा भर चुका है अभी, चलिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अभी भी ध्यान से देखना सभी बच्चे, दोबारा करवा रहा हूँ एक बार। सबसे पहले हमारा होगा भाई क्या, 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 क्या होता है बच्चों, हेक्टामीटर। उसके बाद है बच्चों 100 डेकामीटर, उसके बाद क्या आएगा बच्चों 1000 मीटर। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भी 1 किलोमीटर में कितने मीटर है तो क्या बोलोगे, 1000 मीटर। अगर आपसे बोले भी 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर तो 100, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों क्या, 10 और बढ़ा दो कितना, 10,000 डेसीमीटर। फिर 10 और बढ़ा दो कितना, 1,00,000 सेंटीमीटर। फिर 10 और बढ़ा दो बच्चों कितनी, 10,00,000 मिलीमीटर। तो ये थी बच्चों हमारी पूरी लाइन जो आपको याद रखनी है। अगर आप इधर जा रहे हो तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, इधर आ रहे हो तो क्या करना बच्चों, डिवाइड। दो ही बात है, अगर राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो करेंगे मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहे हैं तो करेंगे डिवाइड। जितना कदम चलेंगे उतनी जीरो, अगर राइट हैंड साइड में जा रहे हैं जितने कदम चले उतनी जीरो पीछे लगा दो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं जितनी कदम चले उतनी जीरो के बाद पॉइंट लगा दो। देखो एक क्वेश्चन देखो, मैं बोलता हूं कि भी 12 डेकामीटर बराबर है कितने सेंटीमीटर, 12 डेकामीटर बराबर है कितने सेंटीमीटर। अब देखो आपको करना क्या बच्चों, कदम चलने हैं, ये रहा देखो डेकामीटर, और बोलो डेकामीटर से कहां जाना बच्चों, में सेंटीमीटर की तरफ जाना है डेकामीटर से। तो पहले पता करो हम लेफ्ट में जा रहे हैं कि राइट में, तो ये रहा डेकामीटर और ये रहा क्या, सेंटीमीटर। तो अब देखो किधर जा रहे हैं भी हम, राइट में, किधर जा रहे हैं बच्चों, राइट में। तो राइट के लिए तो क्या होता है, गुणा मल्टीप्लाई होगा, अगर हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। अब देखो कितने कदम चले हम, यहां से 1 कदम 2 कदम 3 कदम, कितने कदम चले बच्चों, 3 कदम, कितने कदम चले, 3। डेकामीटर से 1 मीटर का, दूसरा डेसीमीटर का, तीसरा सेंटीमीटर का। तो बच्चों राइट में जब गुणा करेंगे ना, और जब भी गुणा करेंगे तो हमें पीछे क्या लगानी है, जीरो। तो 12 के आगे कितनी जीरो लगा दो, 3। 3 क्यों, क्योंकि हम 3 कदम चले हैं, पहला कदम कौन सा, ये रहा, दूसरा कदम ये रहा, तीसरा कदम ये रहा। तो जितने कदम चलेंगे बच्चों उतनी जीरो, क्लियर है, ओके। अभी माल एक वापिस का इधर वा देता हूं मैं, तो देखते हैं अभी आपको बताना है 8 मिलीमीटर बराबर है कितने हेक्टामीटर, यानी 8 मिलीमीटर में बच्चों कितने हेक्टामीटर होते हैं बताना है। अब पहले देखो लेफ्ट में जाना है राइट में, पहला काम है लेफ्ट में जा रहे हैं राइट में, तो ये मिलीमीटर है, ये हेक्टामीटर जाना है। तो मिलीमीटर तो ये रहा बच्चों, ये ना देखो रहा मिलीमीटर, ये मिलीमीटर है, और हेक्टामीटर कहां है, ये रहा। तो हम किधर आए बच्चों, लेफ्ट में, तो लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। अब देखो कितने कदम चले, याद देखो भी 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, कितने कदम भाई, 5 कदम। तो लेफ्ट में है तो 5, जितने कदम चले उसके बाद पॉइंट, तो भी 8 में कितने के बाद पॉइंट लगाओगे, 5 के बाद, 5 क्योंकि 5 कदम चले मैं से, तो 1 2 3 4 5 यहां पॉइंट लगा दो आगे जीरो। तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, बोला है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन। तो अब तो क्लियर अभी सबके, ओके। अभी सवा सभी बच्चे कमेंट करके बताएं भी, अब तो क्या सब को समझ आ चुका ना अच्छे से, सभी को समझ आ चुका अभी अच्छे से। चलिए शाबाश, अभी क्वेश्चन आप लोगों को लिए जल्दी करके दिखाएंगे शाबाश, मेरे को भी जल्दी से करके दिखाएं शाबाश, देखते कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट देता है, रेडी हो जाएं शाबाश सभी बच्चे।
चलिए भी शाबाश, सभी बच्चे कह रहे हैं भी रेडी हैं सर। तो चलिए भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को सोल्व करने के लिए, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है भाई। कितने कदम चलना है आपको, लेफ्ट चलना है राइट चलना है पता चल जाएगा। चलिए भी जल्दी से करके दिखाएं। 9 डेकामीटर बराबर है कितने सेंटीमीटर, जल्दी से करके दिखाएं भी शाबाश। जल्दी करें भी शाबाश। 9 गलत, ठीक है। 9 डेकामीटर बराबर है कितने सेंटीमीटर, जल्दी करके दिखाएं भी शाबाश। ठीक है शाबाश, वेरी गुड, जल्दी बताएं भी शाबाश। देखते हैं भी किस बच्चे का सबसे पहले आंसर आता है भाई। अब तक मेरे पास किसी का भी आंसर नहीं आया भाई, शाबाश। अब आने से हुई, सबसे पहले आंसर दिया अभी किसने, देव। रोंग आंसर बेटा ये, देव के नाम से कौन है, देव गणगस, रोंग आंसर है। अंकित नागर ने सबसे पहले राइट आंसर दिया, अभी उसके बाद है राजेश कुमार के नाम से कौन है, प्रिंस और मैं कहूंगे, शाबाश। फिर विराज, वेरी गुड भी शाबाश। साक्षी दैया, वेरी गुड। उसके बाद अभी प्यारे लाल यादव के नाम से कौन है, ओजस, गलत है बेटा ओजस, ध्यान दे। लेफ्ट में जाना है राइट में पहले चेक कर, उसके बाद कौन है ये, देवगंगस राइट आंसर है, गेमर राइट आंसर भी शाबाश, वेरी गुड। खुशी एंड ऋषभ गलत होगा बेटा, ये आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर है भाई। ध्यान से देखो, पहला स्टेप डेकामीटर है, क्या ये डेकामीटर, और बदलना किसमें, में सेंटीमीटर में। तो जो दे रहा डेकामीटर कहां है, ये रहा देखो, ये रहा डेकामीटर है ना, और किधर बदलना में, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर किधर है, लेफ्ट में राइट में, सेंटीमीटर तो बच्चों ये रहा इधर, तो हम इस साइड आ गए, ये कौन सी साइड है, राइट साइड। और राइट साइड के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं भी हम, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कितने कदम चले उतनी जीरो से। अब यहां से यहां तक कितने चले, देखो भी 1 2 3 कितने कदम चले, 3 कदम पर कौन आ गया, सेंटीमीटर आ गया। तो इस 9 के आगे कितनी जीरो बच्चों, 3 जीरो, 1 0 2 0 3 0, तो क्या बन गया, 9000 बन गया, 9000 बन गया भाई, क्लियर है, बोला है कि नहीं ऐसे में, ठीक है। तो जो ध्यान दे भी, गलत करा है। चलिए अगला बताओ शाबाश, जल्दी से अगला बताओ क्या आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट और बताओ भी शाबाश। ट्वेंटी वन हेक्टामीटर बराबर है कितने डेसीमीटर, कितने डेसीमीटर भाई, जल्दी बताओ। 21 हेक्टामीटर में कितने डेसीमीटर है, ठीक है, ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं, नो, शाबाश शाबाश खुशी ऋषभ, 1-0 फालतू लगा दी बेटा आपकी बार तूने, ठीक है। जल्दी से कमेंट करें अभी, 21 हेक्टामीटर इज इक्वल टू कितने डेसीमीटर, हाँ ये ठीक है खुशी एंड ऋषभ, वेरी गुड। जल्दी ओजस आंसर दे बेटा, जल्दी ओजस एंड विराज, शाबाश। 21,000 किसका भी, अंकित कुमार के नाम से कौन है, प्रिंस या मैंक, नाम लिखो अपना। देव कुमार घनगस के नाम से कौन है भैया, भी अपना नाम लिखें। साक्षी दैया, वेरी गुड भाई, देव घनगस, वेरी गुड, प्रिंस नागर, वेरी गुड, शाबाश। विराज वेरी गुड भी, शाबाश विराज। सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट करें भी, मेरे पास अभी तक 1 2 3 4 5 ही आंसर आए हैं, ये 8 10 12 हो रहे हैं, सारे आंसर करो भी, शाबाश। विराज के बाद आंसर दिया खुशी ऋषभ, वेरी गुड। अंकित कुमार नागर के नाम से कौन अभी, प्रिंस, शाबाश प्रिंस। गेमर के नाम से कौन अभी, गेमर के नाम से 21,000, वेरी गुड शाबाश। देव, देव गणगस के नाम, देव कौन सा देव अभी, ये
देव भिवानी से या कहां से, अभी ये बताएं शाबाश। चलिए भाई तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों क्या आएगा। हाँ भाई, हेक्टामीटर से बदलना किसमें, डेकामीटर में। तो ये रहा बच्चों हमारे पास हेक्टामीटर, और बदलना किसमें, डेसीमीटर। तो ये रहा डेसीमीटर। तो देखो यहां से इधर आए भाई हम, तो अगर राइट में है ना, तो राइट में क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो कर दो मल्टीप्लाई, ये मेरे के नाम से वंश है भाई। ओके वंश, चलिए तो कितने कदम चले भाई हेक्टामीटर से डेसीमीटर में। तो देखो बच्चों, एक दो तीन, कितने कदम, तीन कदम। तो जितने कदम चलेंगे उतनी पीछे जीरो, तो 21 के पीछे कितनी जीरो, तीन, क्योंकि तीन चले। देखो यहां से एक दो तीन, तो एक दो तीन, जितने कदम चलेंगे पीछे उतनी जीरो आएगी भी। क्लियर है। देव गंगा से अभी जींद से, ओके भी ठीक है देव, ठीक। वो जो सबसे लास्ट में आंसर देता, क्या बात है, ध्यान नहीं दे रहा क्लास की तरफ। चलिए भी अगला उड़ करके दिखाएं शाबाश जल्दी से। ये रहा, अभी मैं हटा देता हूं, दिमाग से करना, पर दिमाग में सेव करो और जल्दी करके दिखाओ। थर्टी फाइव सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने किलोमीटर, जल्दी से करके दिखाएं भाई, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता भाई। 35 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, मुड़ीटा गलत, सुमेर सिंह तंवर के नाम से कौन, दीपांशु जीरो अच्छे चला गया, जल्दी बताएं साहब, अभी तक कमेंट नहीं आया, जल्दी फास्ट करो थोड़े। शाबाश, वेरी गुड अंकित, प्रिंस ने सबसे पहले आंसर दिया भी, शाबाश प्रिंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट कौन है भाई, शाबाश जल्दी आंसर दें अपना, ठीक है वेरी गुड भाई शाबाश। दीपांशु एक जीरो लगा बेटा, देव वेरी गुड भाई शाबाश, देव वेरी गुड, बहुत बढ़िया राइट आंसर भी देव। साक्षी दैया वेरी गुड, पर ये कौन है, मैंक पॉइंट लगा भी मैंक। विराज एक जीरो और आएगी बेटा, चलिए देख लेते हैं एक बार शाबाश, क्या था हमारे पास स्टेटमेंट, ये था 1 किलोमीटर है वो बराबर है 10 हेक्टामीटर के भाई। उसके बाद क्या था, 100 डेकामीटर, और फिर क्या था भाई, 1000 मीटर। उसके बाद क्या था भाई, 10,000 क्या था बच्चों, डेसीमीटर। उसके बाद क्या था, 1 लाख क्या था, सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या था भाई, 10 लाख क्या था बच्चों, बोलो मिलीमीटर। क्लियर है भाई, ये था हमारे पास। तो अभी देखो हमें क्या, अभी सेंटीमीटर से और किधर जाना है, किलोमीटर की तरफ। तो सेंटीमीटर कहां बच्चों, ये रहा, किलोमीटर के दादे में देखो हाथ, देखना किधर जा रहा है हाथ बच्चों, किलोमीटर इधर जा रहा है। ये कौन साइड, लेफ्ट, लेफ्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं भी, क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, करते हैं ना। अब कितने कदम चलेंगे, किधर से किधर, सेंटीमीटर से किलोमीटर तक। अब देखो कितने कदम हो गए, ये रहा सेंटीमीटर, तो एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम और पांच कदम। कितने कदम बच्चों, पांच। तो इसके, इसमें पांच के बाद डेसिमल, डिवाइड का मतलब डेसिमल और मल्टीप्लाई का मतलब पीछे जीरो। तो भाई इसमें पांच के बाद डेसिमल लगा दो, किसमें, 35 में, पांच के बाद, क्यों, क्योंकि पांच कदम हम चले भी, कितने कदम चले हमें, पांच कदम भाई। देखो यहां से एक दो तीन चार पांच, तो पांच के बाद लगाओ डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 यहां पॉइंट आगे जीरो। बोलो एक नहीं आया सब क्वेश्चन में, क्लियर अभी। तो भी लगभग सभी बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए, शाबाश वेरी गुड, बहुत बढ़िया ओजस, वेरी गुड शाबाश, ऐसे ध्यान दे, बिल्कुल राइट आंसर है शाबाश ओजस एंड विराज। चलिए अभी अभी बच्चों हमने क्या कर लिया, लेंथ के कर लिए क्वेश्चन। अब लेंथ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और करेंगे हम, ठीक है ओके। और भी इसकी सुनो, मैं आपको बता रहा हूं एक सूचना देना, इसकी जो पीडीएफ है
आपको वर्कशीट मिलेगी कहां पर, गुरुकुल भिवानी वेबसाइट। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे www. गुरुकुल भिवानी, गुरुकुल भिवानी .com, ये वेबसाइट अभी हमारी www.gurukulbhiwani.com ये वेबसाइट है। इस पे जाके आप डाउनलोड के सेक्शन में से इसकी वेबसाइट इसकी वर्कशीट डाउनलोड करना, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना उसकी, ठीक है भाई। चलिए तो अभी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों इसके, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं, अभी जो मैं करवा रहा हूं भाई वो क्या करने बच्चों, नोट करने हैं। चलिए भाई अभी साथ साथ नोट करते जाए, शाबाशी भी बच्चे लिखो भी। 1 फुट, 1 फुट क्या होता बच्चों, नापने वाला, ठीक है। वैसे फिट भी बोलते हैं इसको, फुट हम जिसमें, वैसे फिट होता है फिट, लेकिन हम फुट बोलते हैं तो हम उसी भाषा में लिखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो 1 फुट है बच्चों वो होता है कितना, 12 इंच के बराबर। कितने इंच के बराबर है, 12 इंच के बराबर। किसके बराबर भाई, 12, यानी 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ये सारी बातें आपको नोट करनी है कॉपी में, क्या करनी है बच्चों, नोट करनी है, ठीक है भाई। एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि अभी मैं जो काम करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के लिए कामयाब मतलब काम आने वाली ये जो टॉपिक है भाई। तो एक बार सभी बच्चे मिलकर शेयर करें शाबाश, अपने अपने ग्रुप में जल्दी से शेयर करें, और शेयर करके मेरे पास कमेंट जरूर करें भी सर मैंने कर दिया, फिर मेरे को पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए तो 1 फिट में भी, 1 फुट में कितने होते हैं, 12 इंच। कितने होते हैं, 12। अगर आपने फूटा देखा होगा बच्चों, स्केल देखा होगा, तो उसमें कुछ इस प्रकार से होता है, मैं आपको दिखा देता हूं स्केल ऐसे ना। तो इसमें यहां पर क्या लिखा होता है, 1, फिर क्या लिखा होता है, 2, फिर ये 3, इसी प्रकार से यहां पर क्या होता है बच्चों, 12। क्या होता है, 12। और फिर इधर नीचे क्या लिखा होता है, उसके नीचे क्या लिखा होता है, 30। क्या लिखा होता है बच्चों, 30। तो इसके आगे होता है सेंटीमीटर, ये क्या होते हैं, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। तो जो ज्यादा नंबर होते हैं वो होते हैं बच्चों क्या, सेंटीमीटर, और कम वाले नंबर क्या होते हैं, इंच। तो ये बोला है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन में, तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं बच्चों, 12। क्लियर है, इसी प्रकार से 1 फुट में, इसको फिट भी बोल सकते हैं भी हम, क्या बोल सकते हैं, फिट, लेकिन बोलते हैं हम हमारी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, फुट। तो मैंने मैंने फुट ही लिखा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो भी 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.56 सेंटीमीटर होते हैं भी, 2.56 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। बोला है कि नहीं ऐसे में, क्लियर है भाई, सबको आ गया समझ में, ठीक है। तो भी 1 फुट में, सॉरी ये गलत लिख दिया अभी, 1 मिनट, ये यहां पर 1 इंच आना था, क्या आना था, 1 इंच। तो मैं चेंज करता हूं अब इसको, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लें इसको, 1 मिनट, इसको बदल देते हैं हम इसको। 1 फुट में कितने भाई, 30 सेंटीमीटर होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, 30 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30। क्लियर है, इसी प्रकार से बात करें बच्चों 1 इंच की, किसकी भी, 1 इंच की। तो 1 इंच में 2.56 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, सेंटीमीटर। और सिंपल भाषा में बोले, अपनी देसी भाषा में बोले तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर। बोलो आया कि नहीं ऐसे क्वेश्चन में, क्लियर है, नोट के लिए सबने यहां तक, ठीक है, साथ साथ नोट करते जाना भी सभी बच्चे, कॉपी में नोट करने, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये। क्लियर है भाई, पक्का ये इतना, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बोलते हैं बच्चों देखो, 3 जो फुट होता है क्या होता है, 3 फुट। कितना फुट भाई, अब ज्यादा हो जाए तो फिट बोल देंगे उसको। 3 फिट का क्या होता है बच्चों, 1 गज होता है, या यार्ड है। गजो क्या बोलते हैं, यार्ड, ठीक है। मैं इसको बोलते हैं उसी भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है। 1 क्या होता है बच्चों, यार्ड होता है, यार्ड मतलब गज, ठीक है। तो 3 फुट का
एक गज, 3 फुट का क्या होता बच्चों, एक गज, क्लियर है, इतना आया सपोज में, ठीक है। तीन फुट का क्या होता बच्चों, एक गज होता है, क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, चलिए शाबाश। तो ये चीजें भी नोट कर लो, एग्जाम में आ सकती हैं सभी बच्चे, कि 1 फुट बराबर है 12 इंच, 1 फुट बराबर है 30 सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.56 सेंटीमीटर, और 3 फुट का क्या होता है बच्चों, एक गज होता है, क्या होता है, एक गज होता है भाई, क्लियर है, ठीक है, चलिए भाई शाबाश। नोट अगर सभी बच्चों का ये, ओके, हाँ कुछ भी लिख सकते हो। चलिए भाई, अब मैं नोट होगा तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, क्लियर होगा सभी का इतना, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं किसी तरफ भाई, मास की तरफ, किसी तरफ बच्चों, मास, या मास से बढ़ने तरह एक और नोट करते हैं भाई, इससे पहले एक चीज और करेंगे शाबाश, जो जमीन को मापने में काम आती है, ये भी पेपर में आ सकती है, सभी नोट करेंगे शाबाश। हाँ भाई शाबाश, देखते हैं, ध्यान देना भी शाबाश सभी बच्चे। नोट करेंगे शाबाश, 9 स्क्वेयर फुट, नौ स्क्वेयर फुट या फिट का होता है बच्चों क्या, एक गज, क्या होता है, एक गज, एक स्क्वेयर गज, क्या बोल सकते इसको, एक स्क्वेयर गज या एक गज। जैसे देखो, 3 फुट जगह ऐसे और 3 फुट जगह ऐसे, तो इन दोनों ही गुणा करो क्या आएगा बच्चा, 3 3 9, तो 9 क्या हो जाएगी, 9 स्क्वेयर फिट, 9 स्क्वेयर फिट इक्वल टू क्या होता है, एक गज होता है बच्चों, क्या होता है, एक गज होता है, बोला है कि नहीं, आसमें एक स्क्वेयर गज बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, एक स्क्वेयर गज, ठीक है भाई, एक स्क्वेयर गज, क्लियर है, ओके। तो एक स्क्वेयर गज, एक स्क्वेयर यार्ड, या भाई क्या बोलेंगे हम इसको, गज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गज, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान देना भाई, आगे चल के बहुत मतलब इनको कनेक्ट करेंगे हम, एक स्क्वेयर गज या भी यार्ड, ठीक है, ओके। तो भी उसके बाद आता है हमारा क्या, 4000, आठ सौ अड़तालीस, यानी 4848, 4848, ठीक है, गज, 4848 गज, इसका होता है बच्चों 1 एकड़, एक एकड़, एकड़ का मतलब इसको बोल सकते हैं किला, क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, अपनी भाषा में लिखो बच्चों किला, जो एक किला होता है वो 4848 गज का होता है, ठीक है बच्चों। अब इस एक बात करते हैं, एक किले के अंदर कनाल कितने होते हैं भाई, तो एक जो किला होता है बच्चों हमारा, किला मतलब एकड़, इसमें होते हैं 8 कनाल, क्या होते हैं बच्चों, 8 कनाल, 8 कनाल, एक किले में कितने होते हैं बच्चों, 8 कनाल होते हैं भाई, कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल, क्लियर है, ओके। और जो एक कनाल होता है हमारा, एक कनाल होता है बच्चों, एक कनाल होता है उसके अंदर होते हैं बच्चों 20 मरले, क्या होते हैं, 20 मरले, 20 क्या होते हैं बच्चों, मरले होते हैं भाई, एक कनाल में कितने मरले, 20 मरले। तो इस हिसाब से भी
एक किले में कितने मरले होंगे, 8 से गुणा कर दो, यानी जो एक किला है बच्चों, एक एकड़ है, उसमें कितने मरले हो जाएंगे, एक में देखो एक कनाल में कितने मरले, 20। तो इसी प्रकार से एक किले में 8 कनाल होते हैं, तो एक एक कनाल में 20, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 20 8 160। तो 160 मरलों का क्या होता है बच्चों, एक किला होता है। क्लियर है ये बात? आई से क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बड़े भाई बहन माता पिता सबके साथ शेयर करना भी। क्लियर है सभी बच्चे? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा भाई, एक किले में कितने गज होते हैं ये लिखा हमने। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक किले में कितने कनाल होते हैं वो लिख लिया हमने। ओके भाई, चलिए बच्चों शाबाश। फिर अब देखो समझने वाली बात क्या है यहां पर, वो चीज देखो भाई सारे बच्चे, समझने वाला पॉइंट ये है बच्चों यहां पर कि भी एक किले में 4840 भी, कई बार भाई यहां पर 4840 मिल जाएगा, कई बार राजस्थान उत्तर में थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो राउंड फिगर 4848 गजा क्या होता है, एक किला होता है। तो एक किले में 8 कनाल होते हैं बच्चों, एक कनाल में 20 मरले होते हैं, तो 160 मरलों का क्या हो जाएगा, एक किला हो जाएगा भाई। क्लियर बोला है कि नहीं ऐसे कुछ में? पक्का? ठीक है भाई, कर लोगे सारे? पक्की बात है? ठीक है, तो चलिए भाई नोट हो गया, से भी गाइए। ठीक है, अभी मैं बच्चों लास्ट में आपको एक चीज बताता हूं भाई, कई देखो सभी के पेरेंट्स क्या करते हैं, नोट हो गया से भी गाइए, सभी के पेरेंट्स भाई क्या लेते हैं, प्लाट लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लाट। अब वो प्लाट होता है फुटों में, किसमें होता है, फुटों में। तो भाई उसके गज कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी समस्या ये होती है आजकल, लोग प्लाट ले लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कितने गज का हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, गज बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं बच्चों? गज। तो हमारा अभी पॉइंट, अभी गज कैसे बनाएं, गज कैसे बनाएं, सभी बच्चे सीखेंगे भाई। अब देखना ध्यान से भाई, सभी बच्चे बड़ा ध्यान से देखना भाई, और आज का उम्र की है, अपनी मम्मी पापा से पूछना कि भी हमारा मकान है कितने फुट लंबा और कितने फुट चौड़ा है, आपको ये पूछना है, फिर आपको गज बना के उनको बताने हैं। ठीक है, तो भी मान लो हमारा मकान है, ध्यान से देखना बच्चों, 45 फुट लंबा है, कितने फुट लंबा है, 45 फुट लंबा है भाई, और 20 फिट क्या है बच्चों, चौड़ा है ये मकान हमारा, 45 बाई 20। तो इसके गज कैसे बनेंगे देख लो बच्चों, लंबाई हमारे पास कितनी है, 45, चौड़ाई कितनी है भाई, 20। अब गज देखना कैसे बनेंगे, तो पहले इसका एरिया निकालो, क्या निकालो, इसका एरिया, यानी दोनों की गुणा कर लो, 45 गुणा में 20, तो भी इसका एरिया आ गया 900 वर्ग फुट। क्या गया? 900 वर्ग फुट। अब इस एरिया को यानी लंबाई और चौड़ाई की गुणा को अगर 9 से भाग करोगे, क्योंकि हमने शुरू में लिखा था बच्चों 9 स्क्वायर फीट बराबर है 1 गज, 9 स्क्वायर फीट बराबर है 1 गज, तो 9 से भाग कर दो इसको, 9 एकम 9, 9 पांच 45 और 20 पांच 100, तो भाई 100 गज का प्लाट बन गया ये, कितने गज का प्लाट बन गया ये, 100 गज का, बोला है कि नियास में। तो लंबाई की गुणा चौड़ाई से करके और 9 से भाग करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएंगे उसके, गज, क्या बन जाएंगे, गज। अगर मान लो वो प्लाट है 15,000 रुपये गज, तो कितने रुपए का प्लाट बन गया भाई ये बताओ, 15 लाख का, कितना बन गया, 15 लाख का, गुणा कर दो कीमत भी आ जाएगी। ठीक है, आया कि नहीं आया क्वेश्चन में? तो अभी सभी बच्चे जो देख रहे हैं भी, उन सब के लिए देखो, या कर समझे, इन दोनों की गुणा करके किससे भाग करना बच्चों, 9 से, तो क्या बढ़ेंगे, गज। अभी सभी के लिए भी होमवर्क है, कमेंट में जरूर बताएंगे मेरे को, अपने मकान की लंबाई चौड़ाई ले लेना भाई, कितना लंबा कितना चौड़ा है। ठीक है, जैसे ये 60 हो और इधर से क्या हो, 30 हो, अपने पता नहीं तो मम्मी पापा से पूछ लेना भाई। मरले क्या होते हैं साक्षी, देखो जैसे 1 किलोग्राम में क्या होते हैं, ग्राम होते हैं, यानी
किलो से छोटा क्या होता ग्राम, इसी प्रकार बेटा गज से, सॉरी एक एक कनाल से छोटा ना, कनाल से छोटा क्या होता है, मरला होता है। क्या होता है? मरला, यानी एक कनाल का 20वां हिस्सा, एक कनाल का 20वां हिस्सा क्या कहलाता है? एक मरला कहलाता है। जैसे 1 रुपए का 100वां हिस्सा क्या कहलाता है? एक पैसा कहलाता है। इसी प्रकार से बेटा एक कनाल का 20वां हिस्सा क्या कहलाता है? एक मरला। इसीलिए एक कनाल में कितने मरले होते हैं? 20। ये भी एक मापने की, छोटी जगह मापने की इकाई है भाई, ठीक है। इट इज द यूनिट ऑफ द स्मॉलर प्लेस, मेजर ऑफ द स्मॉलर प्लेस यूनिट। क्लियर बच्चों? तो अभी आप लोगों को क्या करना है बेटा, कमेंट में मेरे को बताना है कि आपके मकान की कीमत कितनी है आज के दौर में, यानी अब आपके मकान की कीमत कितनी है, आपको कैसे निकालनी है। एक बार दोबारा देख लो, लंबाई चौड़ाई गुणा करोगे, जैसे 60 और 30, ये पूछ लेना मम्मी पापा से। उस गुणा को किससे भाग करोगे? 9 से। काट दो भाई, 3 3 9 और 3 दावा 30, 3 से काट दो 20 3 60 और 20 दावा 200। ये प्लाट कितने गज का होगा बच्चों? 200 का। अब मान लो, अब ये पूछना मम्मी पापा से कि भी मम्मी पापा यहां पर जगह का क्या रेट है, कीमत कितनी है। अगर वो बोलते कितने का है, 10,000 रुपए गज यहां जगह है, तो आपका प्लाट कितना है बोलो? 20 लाख का। कितने लाख का प्लाट होगा बच्चों? 20 लाख का प्लाट हो गया। ये कीमत निकाल के आपको मेरे पास क्या करना है, कमेंट करना है सभी को। क्लियर है? ओके। और साथ साथ ये भी बताना है लंबाई चौड़ाई कितनी, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं। कैसे बताओगे कि भी हमारी लेंथ ये, ब्रेथ ये, रेट इतना है, इसी प्रकार से हमारा प्लाट है इतने रुपए का होगा, ठीक है। ये चीजें आप निकाले कमेंट करके बताओगे, तभी मेरे को पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको आया कि नहीं आया भाई। क्लियर है? और बेटा ये लाइफ में बड़ा काम आएगा, अगर आप बड़े हो गए आगे चल के, बड़ा तो होना ही है, तो फिर मकान बनाना पड़ेगा। मकान कैसे बनाओगे? प्लाट खरीदना पड़ेगा। अब प्लाट खरीदोगे तो अगर पता नहीं भी कितने गज का, तो अगला लूट के खा जाएगा। बहुत सारे आजकल प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो मूर्ख बना देते हैं, गलत जमीन दे देते हैं, रेट ज्यादा ले लेते हैं। इसलिए सभी को ये चीज पता होनी चाहिए बेटा कि भी कितनी जगह है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भी कोई आपको ठग तो नहीं रहा है, लूट तो नहीं रहा है। क्लियर है? आया कि नहीं ऐसे में? चलिए भाई, तो अभी बढ़ते हैं बच्चों, हम किसकी तरफ है? मास की तरफ। किसके भाई? मास। सेकंड पॉइंट है बच्चों आज का हमारा, क्या? मास। मास में क्या लिखा था बोलो? हमने वेट, वजन। मास का मतलब क्या बच्चों? वजन, ठीक है भाई। मास का मतलब क्या है? वजन भाई। तीनों देखो सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, सेम है जैसे हैं। तो कैपेसिटी भी होने के बाद फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, क्या करेंगे? मिक्स। आप लोगों को एक्सरसाइज दूंगा, वो आपको करनी है, ठीक है। तो देखो भी ध्यान से, इसमें क्या आएगा? सबसे पहले सेम एज इट इज, कुछ नहीं है भाई, 1 किलोग्राम आ जाएगा। अब क्या जाएगा? किलोग्राम, क्योंकि मास वजन। बाजार से आलू लाते हैं, उनमें वजन होता है ना, तो हम 1 किलो 2 किलो में ला के आते हैं। चीनी लाते हैं, किस में लाते हैं? 1 किलो 2 किलो में। लेकिन दूध लाते हैं तो लीटर में लाते हैं, तेल लाते हैं तो लीटर में लाते हैं, आए नहीं आस में, तो वो तो कैपेसिटी होगी। अब मान लो हम यहां से भिवानी रोहतक जाना, तो किस में मापेंगे दूरी? किलोग्राम में या लीटर में? इनमें नहीं नापेंगे, किस में नापेंगे हम? किलोमीटर में। तो देखो सबकी अलग अलग इकाई है बेटा, सबकी क्या है? अलग अलग इकाई है। क्लियर अभी? सबकी इकाई क्या होती है? अलग अलग होती है। ओके। तो दूरी को मापेंगे मीटर में, वजन को मापेंगे किलोग्राम में, और लिक्विड चीज को मापेंगे किलो लीटर में, ठीक है। चलिए, तो अभी मास के अंदर क्या करने वाले हैं बताओ जल्दी से भी? वजन। मास में क्या करने वाले हमें? वजन। तो 1 किलोग्राम बराबर है क्या आएगा बोलो? 10 हेक्टाग्राम बराबर है क्या आएगा भाई? 100 डेकाग्राम बराबर है कितना आएगा? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, यानी 1 kg इज इक्वल 2000 ग्राम। कितने ग्राम? 1000। उसके बाद फिर लिखे बच्चों कितना? 10,000। कितना भाई? 10,000 डेसी ग्राम। उसके बाद 1 लाख, 10,000 के बाद 1 0 बढ़ा दो, 1 लाख सेंटीग्राम। क्या बोलेंगे? और उसके बाद क्या होता है बच्चों? 10 लाख। कितना?
10 लाख मिलीग्राम। एमजी का मतलब क्या होगा यहां पर है? मिलीग्राम भाई, क्या होगा बच्चों? मिलीग्राम। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, सेम वही चीजें हैं। सेम क्या है बच्चों? वही चीजें हैं। कौन सी? जो हमने किसमें की थी, किसमें की थी हमने? लेंथ में। किसमें की थी? लेंथ में। किसमें की थी बच्चों? लेंथ में। तो सेम वही चीजें, कुछ भी फर्क नहीं है बच्चों, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो भी इनको कैसे देखो, अब याद कैसे रखना है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई। ठीक है, याद कैसे रखना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी भी। ठीक है, चलिए देखो, उसमें यहां पर क्या था भाई? अम था। जी की जगह क्या था पीछे वाले में? जी की जगह क्या लिखा था अभी मैंने? अम। जैसे किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, और इसमें क्या आएगा? जी। जी का मतलब ग्राम, तो क्या बोलेंगे? किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम। उसके बाद डीसी से डेसीग्राम, सीजी से सेंटीग्राम, एमजी से मिलीग्राम। बोला है कि नहीं ऐसे कुछ में? ठीक है, तो कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम वही है। ठीक है, तो अब हम सीधे इसमें क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? सीधे इसमें क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं बोलूं भाई 5 हेक्टाग्राम बराबर है कितने सेंटीग्राम, तो फिर वही देखें भी, लेफ्ट में जा रहे राइट में, ये रहा हेक्टा, हेक्टा से किधर जा रहे हैं? ये रहा सेंटीग्राम, तो किधर गए बच्चों? राइट में। किधर गए हम? राइट में। तो राइट के लिए क्या आएगा? मल्टीप्लाई। राइट के लिए क्या आएगा? मल्टीप्लाई। और कितने कदम चले देख लो भी, हेक्टाग्राम से सेंटीग्राम, तो ये रहा हेक्टाग्राम, ये रहा, यहां से 1 2 3 4, चार कदम चले तो पीछे कितनी जीरो? चार जीरो। किसके पीछे? पांच के। पांच के पीछे चार जीरो, 1 2 3 4, इसका मतलब है 50,000 सेंटीग्राम। 5 हेक्टाग्राम में कितने सेंटीग्राम भाई? 50,000 सेंटीग्राम, 50,000 सेंटीग्राम। क्लियर अभी शाबाश सभी को। चलिए तो अभी सभी बच्चे जल्दी से करके दिखाएं भी, जल्दी करके दिखाओ, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करता भाई। देखते हैं भी कौन बच्चा सबसे पहले करता है। रेडी हो जाओ अभी शाबाश सारे। शाबाश, बी अलर्ट, रेडी रहो भाई, और जल्दी से करके दिखा रहे हैं शाबाश सभी बच्चे। ये रहा आपके सामने भाई 12 डेकाग्राम। 12 डेकाग्राम इज इक्वल टू कितने मिलीग्राम? जल्दी से बताएं शाबाश सभी बच्चे, जल्दी बताएं भी, 12 डेकाग्राम बराबर है कितने मिलीग्राम? जल्दी बताएं भी। जल्दी बताएं शाबाश, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता भाई। विराज वेरी गुड शाबाश, खुशी एंड ऋषभ वेरी गुड, इसका आंसर दें भी अभी दें। किसका आंसर है? 12 डेकाग्राम बराबर है कितने मिलीग्राम? शाबाश, सबसे पहले आंसर दिया अभी किसने? देव ने, देव घनघस, वेरी गुड शाबाश। उसके बाद हर्ष, वेरी गुड, फिर प्रिंस, मैंक, बाकी और भी कमेंट करें भी, जल्दी करें शाबाश, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करता भाई। शाबाश, जल्दी जल्दी करें भी। साक्षी, ओजस, वेरी गुड, क्वेश्चन इज वेरी गुड, साक्षी दिया वेरी गुड भी, शाबाश। चलिए अभी शाबाश सभी बच्चों ने, आपकी बार बहुत अच्छा आंसर दिया भाई। देखो कितना अच्छा तरीका बताया मैंने आप लोगों को, ध्यान से देखो, जिसको समझ नहीं आया फिर भी करना क्या है, सबसे पहले देखना बच्चों लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है। लेफ्ट में जाएंगे तो भाग, और राइट में जाएंगे तो गुणा। पता कैसे चलेगा? ये रहा हमारे पास क्या? डेकाग्राम। क्या है ये? और डेकाग्राम से किस में बदलना? में
मिलीग्राम में। तो देखो ये रहा डेकाग्राम और मिलीग्राम का है ये रहा इधर, ये रहा मिलीग्राम। तो बच्चों इधर आए हम, राइट एंड में गए किधर, राइट राइट में के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब किससे करेंगे ये पता कैसे चलेगा, कितने कदम चलना पड़ेगा। देखो भाई ये क्या है डेकाग्राम, कितने चलना पड़ेगा, एक दो तीन चार, चार कदम चलना पड़ेगा। तो पीछे कितनी जीरो, चार भाई। तो 12 के पीछे कितनी जीरो, चार। 12 क्योंकि 12 दे रखा है, चार लगा दो, एक दो तीन चार, ये हमारा राइट आंसर आ चुका भाई। क्लियर भाई, शाबाश विराज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए एक और करके दिखाएं शाबाश भी बच्चे, जल्दी से भाई जल्दी करें, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता अब की बार। हाँ भाई, 312 सेंटीग्राम इज इक्वल टू कितने हेक्टाग्राम, जल्दी से बताएं शाबाश। तीन सौ बारह सेंटीग्राम कितने हेक्टाग्राम के बराबर होता है, जल्दी बताएं भाई। जल्दी बताओ भाई शाबाश। भाई सबसे पहले आंसर दिया है किसने, देव ने, देव शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद है प्रिंस, वेरी गुड भी शाबाश। उसके बाद आंसर दिया नेक्स्ट किसने भी, हर्ष ने, वेरी गुड भी हर्ष। हर्ष का आंसर गलत है भी, हर्ष रोंग आंसर है। प्रिंस वेरी गुड भी शाबाश, प्रिंस साक्षी दिया वेरी गुड शाबाश भी। ओजस तेरा आंसर नहीं आ रहा बेटा, ओजस कहां गायब है तू, जल्दी कर शाबाश ओजस, जल्दी से आंसर दे भाई। दीपांशु ने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया भाई शाबाश दीपांशु, वेरी गुड। हाँ ओजस दिखाई दिया अभी शाबाश ओजस, वेरी गुड राइट आंसर है। थोड़ा फास्ट किया करो ओजस, खुशी एंट्री से वेरी गुड भी शाबाश, हर्ष वेरी गुड, अपसी आंसर भी हर्ष शाबाश। चलिए भी देखते हैं कैसे इसका आंसर करेंगे। देखो भी सेंटीग्राम को बदलना है किसमें, हेक्टाग्राम में, तो जिधर बदलना उधर जाएंगे, बदलना किसमें, हेक्टाग्राम में। तो हेक्टाग्राम सेंटीग्राम से देखो कहां है, ये सेंटीग्राम ये रहा भाई, और इससे हेक्टाग्राम कहां है, देखो ये रहा हेक्टाग्राम। तो भाई हम लेफ्ट में, लेफ्ट के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, क्या करते हैं बच्चों डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे किससे, जितने कदम चलेंगे उतनी जीरो से। अब कितने चले देखो सेंटीग्राम से, एक कदम दो कदम तीन कदम चार, चार कदम दो, कितने बाद पॉइंट है चार के बाद, तो एक दो तीन चार यहां पर पॉइंट आ जाए भी, तो कमी पड़े उतनी जीरो लगा दिया करो, बोला है कि नहीं क्लियर है। चलिए शाबाश, अभी आया सभी क्वेश्चन में। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं भी, सॉरी अभी इतना काफी हो चुका है, अब इसके अंदर भी कुछ चीजें करें भी इंपोर्टेंट हम, ठीक है। चलो शाबाश, जो भी नॉलेज के लिए काम आएंगी वो चीजें करेंगे शाबाश। जल्दी देखें सबसे भाई, हजार जो ग्राम होता है, ध्यान सुनो बच्चा, हजार ग्राम जो होता है उसको बोलते हैं 1 kg, क्या बोलते हैं भाई 1 kg, या अपनी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं किलो, एक किलो, ठीक है भाई ओके। इसको अगर आधा कर दिया जाए यानी कि 500 ग्राम कर दिया जाए तो ये होता है बच्चों आधा किलो यानी कि हाफ के जी, और हिंदी में बोलते हैं इसे आधा किलो, क्या बोलते हैं आधा किलो, ठीक है भाई। उसके बाद फिर इसको आधा करते देखो, हजार का आधा 500 और 500 का आधा 250 यानी 250 ग्राम, इसको बोलते हैं भाई 154 kg यानी 1/4, क्या बोलते हैं इसको 1/4, क्वार्टर मतलब है चौथा हिस्सा, क्वार्टर मतलब भाई चौथा हिस्सा, क्लियर है ओके।
तो बच्चों इसको बोलते हैं क्या, अपनी भाषा में बोलते हैं पाव। क्या बोलते हैं? पाव या पाया। क्या बोलते हैं? पाया। क्या बोलते हैं? पाया। या कहीं कहीं इसको पाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पाव। ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर होगा सबको? ठीक है। उसके बाद और जो वर्ड आते हैं, 750 ग्राम। क्या आता है? 750 ग्राम। इसको बोलते हैं भाई इंग्लिश में 3/4 kg। क्या बोलते हैं? 3/4। क्या बोलते हैं इसको? 3/4। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? 3/4 बोलेंगे। और हिंदी में अपने देसी भाषा में बोलते हैं 3 पाव। क्या बोलते हैं? 3 पाव। या गांव में इसको बोलते हैं 3 पा। क्या बोलते हैं? 3 पा। गांव में क्या बोलते हैं इसको? 3 पा बोलते हैं। तो देखो बच्चों मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि यह है डेली लाइफ की चीजें। क्या है ये? और प्रैक्टिकल चीजें हमें जिन डेली वास्ता पड़ता है इनसे, तो हमें आनी चाहिए। सुबह उठ के दुकान में जाओगे, पापा बोलता जा अभी 3 किलो चावल लिया। अब दुकानदार कहता 3 किलो तो नहीं है, पहिया बच रहे हैं, तो पहिया ले जा। अब तुम्हें ये नहीं पता पहिया होता कितना है, तो क्या लेके आओगे तुम? ठीक है ना? तो पहिया का मतलब आपको कितना दे रहा है वो? 250 ग्राम, 1/4, यानी किलो का चौथा हिस्सा दे रहा है। क्लियर है? यहां तक सबने कर लिया भी नोट? चलिए शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ भाई, अगर 5 kg हो इकट्ठा लेना हो, 5 किलोग्राम, इसको बोलते हैं बच्चों एक दड़ी। क्या बोलते हैं? एक दड़ी। एक दड़ी। एक दड़ी। ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारे पास आ जाए भी क्या, 40 kg। क्या हो जाए? 40 kg। इसका मतलब होता है एक मण। क्या होता है बच्चों? एक मण। क्या होता है? एक मण। क्लियर है? और एक मण में कितने दड़ी? 8 दड़ी। कितने दड़ी भी? 8 दड़ी। एक मण में कितने दड़ी? 8 दड़ी। अब देखो ये दड़ी कहाँ यूज होता है, सुना होगा सबने। अभी गर्मियों में जब प्याज बेचने वाले आएंगे ट्रैक्टर में, वो बोलते हैं भाई 20 रुपए के 1 किलो और 100 रुपए दड़ी, 100 रुपए दड़ी प्याज ले लो। तो दड़ी का मतलब होता है बच्चों आपको 5 kg दे रहे। कितने केजी दे रहे हो? 5 kg। अब वो क्या करेंगे, उनकी भाषा होती है एक अलग। 5 kg को क्या बोलते हैं? वो दड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दड़ी। अगर आपने 2 दड़ी प्याज लिए तो कितने किलो लिए? 10 किलो। कितने किलो? और आपने अगर 5 दड़ी प्याज लिए तो कितने दड़ी? 5 किलो। एक दड़ी में कितने किलो? 5। तो 5 दड़ी में 5 5 25, या उस दड़ी की 5 से गुणा कर दो, क्या बन जाएंगे? किलो। अब एक आदमी ने भाई 10 दड़ी प्याज लिए तो कितने किलो लिए? 50। 5 से गुणा कर दो, 10 5 50। कितने भाई? 50। बोला है कि नहीं आसमें? तो 40 किलो का एक मण, और एक मण में कितनी दड़ी? क्यों? क्योंकि एक दड़ी 5 किलो की, तो 8 8 5 40, 40 किलो हो गए ना? बोला है कि नहीं आसमें? पक्का? ठीक है भाई, नोट कर लिया सभी ने इतना? ये ठीक है, आगे भाई। उसके बाद आता भी 2.5 मण। कितना मण है? 2.5 मण का होता है बच्चों 1 क्विंटल। क्या होता है? एक क्विंटल। एक क्विंटल मतलब है, अब 2.5 मण में कितने हो गए? 100 किलो। ये देखो, एक मण कितने का था बच्चों? 40 का। दूसरा मण भी कितने का? 40 का। एक आधा मण और कितने का? 20 का। 40 चले 80 और 20 100, यानी 100 kg हो गए 2.5 मण में। इसका मतलब है बच्चों 1 क्विंटल है वो कितने किलोग्राम के बराबर होगा? 100 किलोग्राम के बराबर होगा, 100 kg के बराबर होगा भाई। कितने केजी के? लाइव क्लास इज लॉन्ग। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में ऑफ कर देंगे, चिंता मत करो, ये काम की चीजें भी प्रिंस। ओके। और इसकी प्रकार भाई 10 क्विंटल का, कितने क्विंटल का भी? 10 क्विंटल का होता है बच्चों 1 टन। क्या होता है? 1 टन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीट्रिक टन। क्या बोलते हैं भाई? मीट्रिक टन। क्या बोलते हैं? मीट्रिक टन। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? यानी 1 टन की बात करें बच्चों, या 1 मीट्रिक टन की बात करें,
एक मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी। कितना केजी भी? 1000 किलो का एक टन होता है, 1000 किलो का एक टन होता है, यानी बोले भी 1 मीट्रिक टन में कितने केजी? 1000 केजी। कितने केजी? 1000 केजी। तो ये चीज नोट कर ली भी सभी ने? पक्की? चलो शाबाश। और लिख के याद भी करनी है सभी बच्चों को ये। चलिए भी अगला, अभी बच गया लास्ट हमारा क्या भी? कैपेसिटी। क्या बच गया भी? कैपेसिटी। और कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? धारिता। क्या बोलते हैं? या आयतन या वॉल्यूम। ठीक है भाई, सेम बच्चों कुछ नहीं, इसमें भी लिखे शाबाश। 1 किलो लीटर। अब देखो उसमें यहां मीटर आया था, फिर आया जी यानी ग्राम आया, अब क्या क्या गया? एल। तो ये होगा किलो लीटर बराबर है 10 हेक्टोलीटर, बराबर है कितना? 100 डेकालीटर, बराबर है कितना भाई? 1000 लीटर, बराबर है कितना? 10000 डेसीलीटर, बराबर है कितना भाई? 1 लाख सेंटीलीटर, और उसके बाद अभी कितना? 10 लाख मिलीलीटर। ठीक है भाई, 10 लाख मिलीलीटर। ठीक है, सेम देखो तीनों सेम ही है। अब तीनों करने बाद चला सारी चीज सेम है, पहले में क्या था? एम, दूसरे में क्या आया? जी, और तीसरे में क्या है? एल। इसका मतलब एम का मतलब तो क्या था भाई? मीटर। क्या था बच्चों? मीटर। फिर आया जी, जी का मतलब क्या था? ग्राम। और फिर आ गया एल, एल का मतलब क्या आ गया भाई? लीटर। क्या आ गया बच्चों? लीटर। ठीक है, बाकी सारे सेम हैं, सेम वही है। देखो मैं बोलूं कि भी यहां पर 9 डेकालीटर बराबर है कितने डेसीलीटर? कितने डेसीलीटर? सेम वही, अभी ये डेकालीटर से क्या जाना है? डेसी में। ये रहा डेका और ये रहा डेसी, राइट में गए भाई, ये साइड राइट होती है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई किससे होगा? जितने कदम चलेंगे उससे। कितने कदम चले भाई? एक और दो, तो इसके पीछे 2 जीरो भाई। कितने जीरो? 2 जीरो। तो ये आ जाएगा 900। बोलो आएगा नहीं ऐसे क्वेश्चन भाई? सभी को आ चुका है। चलिए भाई शाबाश, अब जल्दी से करके दिखाएं। शाबाश, सेम ही है। अभी कुछ टेक्निकल जो एक्सरसाइज दे रहा हूं भाई तुम्हें साथ साथ, आई थिंक सब क्वेश्चन में आ चुका है। ये सेम वैसे ही करने, कुछ अंतर नहीं है अभी इसमें इसमें। चलिए अभी कुछ इंपोर्टेंट एक्सरसाइज देंगे। पहला क्वेश्चन भाई जल्दी बताएं शाबाश। 2.4 हेक्टामीटर। अब पेपर में इस प्रकार से आएगा बच्चों, ध्यान से नोट करना। 2.4 हेक्टामीटर बराबर है कितने मीटर? जल्दी से इसका आंसर दे मिस आवास, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले देता है इसका आंसर। जल्दी बताएं शाबाश। 2.4 हेक्टामीटर इज इक्वल टू कितने मीटर? जल्दी बताएं शाबाश। चलिए बच्चों एक बार समझा देता हूं भाई। देखो भाई एक बार समझ लो सारे बच्चे, देखो क्योंकि टाइम ज्यादा लगा दिया आप लोगों ने। देखो भी कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, सभी बच्चे बोर्ड देखे ध्यान से, स्क्रीन पे देखें। पहले इसका डेसिमल हटाओ। क्या हटाओ बच्चों? इसका डेसिमल। अब 24 है हमारे पास, अपोन में लगा लिया 1, कितने के बाद पॉइंट है? एक के बाद, तो नीचे 1 जीरो, तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो यही आएगा भाई, आएगा क्योंकि 24 है बटे में 1, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो लगा दी।
अभी देखो हमें एक्टा मीटर से किसमें देना है, मीटर में। तो मीटर किधर होता है, राइट हैंड साइड में। तो क्या करनी पड़ेगी, गुणा। किससे गुणा करेंगे, देखो एक्टा के बाद क्या आएगा बोलो, डेका। और डेका के बाद क्या आता है, मीटर। क्या आता है, मीटर। तो कितने कदम चले हम यहां से, एक दो, कितने चलेंगे, दो। तो दो जीरो से गुणा कर दो, किससे गुणा करोगे, दो जीरो से, या दो जीरो पीछे लगा दो। दो जीरो क्या लगा दो, पीछे लगा दो। एक जीरो से एक जीरो काटो, कितना बच गया भाई, 240 मीटर। कितने मीटर भाई, 240 मीटर। बोलो आया कि नहीं आया इसमें, वेरी गुड। भी देव ने सबसे पहले आंसर दिया, अभी शाबाश देव, वेरी गुड। जीन से अभी देव, बहुत बढ़िया देव, शाबाश। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, फिर आप लोगों को करना है ऐसे ही। 0.007, 0.007 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर। एक और देख लो बच्चों, मैं करवाता हूं, उसके बाद आप लोगों को करना भी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, किलोमीटर से सेंटीमीटर किधर होगा, राइट में। तो राइट में क्या होगी, गुणा भी। क्या होगी बच्चों, गुणा। अब कितना देखो, पहले आएगा किलोमीटर, फिर आएगा बच्चों हेक्टामीटर, फिर आएगा डेकामीटर, फिर आएगा मीटर, मीटर के बाद फिर आएगा भाई क्या, डेसीमीटर। बोलो बच्चों, और डेसीमीटर के बाद क्या आएगा बच्चों, सेंटीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर में जाना है। अब देखो कितने कदम चले, यहां से एक दो तीन चार पांच, तो पांच जीरो लगे, कितने जीरो लगे, पांच जीरो, पांच जीरो से गुणा कर दो। लेकिन कितने जीरो यहां लिख लो भी, पांच जीरो लगे पीछे। लेकिन पहला काम क्या करना, डेसिमल हटाना। क्या हटाना, डेसिमल। तो 7 लिखो अपॉन 1, कितने बाद पॉइंट है, एक दो तीन, तो तीन जीरो नीचे लगा दो भाई। ऊपर कितनी जीरो लगानी है हमें, पांच, तो एक दो तीन चार पांच लगा दी। अब तीन जीरो से तीन जीरो, कितना बचा बच्चों, 700 सेंटीमीटर। बोलो है कि नहीं ऐसे, क्लियर है, 700 सेंटीमीटर होंगे। कितने भी, 0.20। श्रीता यादव के नाम से कौन है, विराज है क्या ये, शाबाश राइट आंसर अभी, वेरी गुड भी, शाबाश प्रिंस, वेरी गुड। 1-0 फालतू भी प्रिंस, दीपांशु वेरी गुड, शाबाश। चलिए अभी अभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी करके दिखाएं, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करता है, जल्दी बताएं शाबाश। 0.004 एक्टा मीटर इजिकल टू कितने डेसी मीटर, जल्दी बता दो भी शाबाश, जल्दी करके दिखाएं, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करता भाई। जल्दी बताएं, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता भाई। 0.004 हेक्टामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। अभी सबसे पहले पता करना हमें, लेफ्ट जाना का राइट, राइट जाएंगे तो जीरो लगेंगी, लेफ्ट आएंगे तो वापिस से पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो जल्दी बताओ शाबाश, हेल्प कर देता हूं मैं जल्दी भी, वेरी गुड। एक ने आंसर दिया श्रीता यादव के नाम से, ओजस, ठीक अभी ओजस, शाबाश। तो अंकित नागर ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर देव ने भी, शाबाश देव एंड प्रिंस, वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो अभी मैं हेल्प कर देता हूं, हेक्टामीटर के बाद क्या आएगा, डेकामीटर, फिर आता है मीटर, फिर आता है डेसीमीटर, फिर आता है क्या, अब तो डेसीमीटर तक बताना है बस। तो यहां से कितने कदम चले भी, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, जितने कदम चलेंगे बच्चों उतनी ही जीरो। और एक्टा से डेकी इधर होता भी राइट में, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब पीछे जीरो लगेंगी। जल्दी से आंसर बता दो भी अभी। उसके बाद अभी दीपांशु ने राइट आंसर दिया, शाबाश दीपांशु, खुशी अंड्री सब, वेरी गुड प्रिंस, शाबाश भी, वेरी गुड। देख लो भी सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, क्या हटाएंगे बच्चों, डेसिमल। तो कितने बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो एक के आगे कितने जीरो बच्चों, 3 जीरो, क्लियर है।
अभी हमें एक्टा से डेसी कितने कदम चलेंगे? एक्टा से 1 2 3, तो 3 0 पर लगा दो बच्चों, बोलो एक नहीं इसमें आ गया। 3 0 से 3 0 कट गई, क्या बच गया बच्चों? 4 डेसीमीटर। तो भाई 0.004 में 4 डेसीमीटर होते हैं, बोलो एक नहीं ऐसे क्वेश्चन में, पक्का? शाबाश, वेरी गुड। चलिए जल्दी से एक और बताएं, भी देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 0.04, 0.04 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, जल्दी बताएं शाबाश। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है, एक बार 0.04 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। आपकी बार देखते हैं भी कौन बच्चा सबसे पहले बताता आंसर। देखते हैं भी कौन बच्चा सबसे पहले बताता आंसर। शाबाश, वेरी गुड भी, बहुत बढ़िया। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, 0.04 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, हाउ मैनी मीटर इन 0.04 सेंटीमीटर, जल्दी बताएं भी शाबाश। सबसे पहले आंसर दिया अभी प्रिंस ने, शाबाश भी प्रिंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है बेटा प्रिंस, आंसर बिल्कुल सही है, डोंट वरी। देखते हैं भी कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है, 0.04 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। लॉन्ग क्लास हो, चलो ठीक है अभी अभी इसको ऑफ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये। ओजस, वेरी गुड भी ओजस, शाबाश ओजस ने सबसे पहले आंसर दिया आपकी बार, सेकंड नंबर पे ओजस है, शाबाश भी, पहले पे प्रिंस। चलिए भी देखते हैं भाई, सबसे पहला काम क्या करें बेटा, जल्दी बताओ, पॉइंट हटाओ भाई, 4 लिखो, ठीक है, एक अल के एक दो के बाद कर लिया है। अब आपको क्या करना है, देखो सेंटीमीटर क्या बनाना है, मीटर, तो लिख लो भी, पहले इधर होता है मीटर, फिर होता है डेसीमीटर, फिर क्या आएगा सेंटीमीटर, तो भी सेंटीमीटर से मीटर किधर जाना है, इधर जाना पड़ेगा, यानी लेफ्ट में लेफ्ट के लिए क्या होगा डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉइंट लगाना, क्या लगाना, पॉइंट। इसका हम देखो तो एक चीज हो, अगर हम इधर जाएंगे तो 0 आएंगी ऊपर, कहाँ आएंगी ऊपर, और इधर आएंगे तो 0 कहाँ आएंगी नीचे, ये देख लो। तो अब की बार कितने कदम चले भाई, सेंटीमीटर से मीटर, देखो सेंटीमीटर से मीटर, तो एक कदम दो कदम, तो 2 0 कितने जीरो, 2 0 नीचे लग जाएंगी। अब 4 0 होगी भाई, 4 के बाद पॉइंट, देखो 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, ये आंसर आ गया हमारा, बोलो आया कि नहीं, इसमें यहां आ जाएगा पॉइंट, क्लियर है भाई? ओके ठीक है, तो भाई आज की क्लास इतनी काफी लंबी, बच्चे करे भी काफी लंबी क्लास होगी, चलिए शाबाश। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था अभी, तो कमेंट में आप लोग सभी बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपके प्लाट की लंबाई चौड़ाई काउंट करके उसके गज बना के उसकी कीमत बना के मेरे पास कमेंट में लिखेंगे सभी भाई, ठीक है? तो और आपको इसकी जो वर्कशीट, अब इसकी वर्कशीट कहाँ मिलेगी, www.gurukul.gurukulbhiwani.com की साइट मिलेगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना भी इसकी। तो सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो भी सर।